इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे और दोनों ही तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कि हम सिंपल तरीके से कॉमन ले सकते हैं इसमें से, है ना। इसमें दिख रहा है कि यहाँ एक्स क्यूब है और इसके पास एक्स स्क्वायर है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर, है ना। तीन एक्स इसके पास है, दो एक्स इसके पास है, दो निकाल लिया बाहर इसमें से, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमने इस दोनों में से एक्स स्क्वायर निकाल लिया बाहर, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया बाहर। तो यहाँ पे तीन था, दो निकाल लिया, कितना बचा, एक, है ना। यहाँ टू तो ऐसे ही अपनी जगह रहेगा क्योंकि टू नहीं निकाला है हमने बाहर, और एक्स का स्क्वायर तो निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ कुछ नहीं और कुछ नहीं बचेगा, है ना। एक्स माइनस टू सिर्फ बचेगा, और ये माइनस एक्स प्लस टू तो ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस टू तो ऐसे ही रहने दिया, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से माइनस क्यों कॉमन लेना चाहते हैं, क्योंकि हम इसके जैसा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ भी ब्रैकेट में एक्स माइनस टू दिखे। तो हम जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस का था वो तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट में, तो एक्स माइनस का था तो ये प्लस हो गया, टू प्लस का था तो ये माइनस हो गया, था ना। देखो दोनों एक ही जैसा दिखने लगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब फिर से इसे कॉमन ले लेंगे। अब एक्स माइनस टू इसके पास भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स माइनस टू बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसके पास एक्स माइनस टू था और एक्स स्क्वायर था, एक्स माइनस टू निकाल लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर, एक्स के सर पे टू, और यहाँ से एक्स माइनस टू तो निकाल ही लिया, तो क्या बचा, वन, है ना। जीरो नहीं बचेगा, वन बचेगा, ठीक ना। एक कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, हमने एक्स माइनस टू से डिवाइड किया इन दोनों को, इसको जब डिवाइड किया तो एक्स माइनस टू खत्म हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर बचा, तब इसको किया तो वन बचा, ठीक है। अब एक्स माइनस टू तो ऐसे ही लिखा रहने दिया, इसको कुछ नहीं करेंगे, और ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, वन को तो वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वन का स्क्वायर करो या वन का क्यूब करो वही रहता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। जो यहाँ लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको एक बार जोड़ देते हैं फिर एक बार घटा देते हैं, तो जो यहाँ लिखा हुआ है एक्स को एक्स में वन एक बार जोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी एक बार घटा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो जादुई मेथड है, मैजिकल मेथड है। मैजिक कहने का क्या मतलब है कि हम एक फैक्टर इसका मैजिक से निकालेंगे, यानी कि हम तुक्का लगाएंगे कि इस एक्स क्यूब, इस जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल ना, क्यूबिक इक्वेशन, तो उसका एक फैक्टर हम तुक्के से निकालेंगे। जैसे कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया होगा, हम उसमें माइनस वन या वन या माइनस टू या टू, इनमें से कोई भी नंबर, इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादातर इन्हीं नंबर में से कोई एक नंबर उठाकर इसमें पटक देंगे, इस पॉलिनोमियल में, और देखेंगे कि क्या जीरो आता है या नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर रखने पे इसमें जीरो आ गया, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गया या खुश हो गया ये पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो नंबर इसका फैक्टर हुआ, है ना। देखो जैसे कि यहाँ इसका आंसर क्या आया, एक्स माइनस टू, अगर तुम एक्स की जगह टू रखोगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो रहा है जी टू रखने पे एक्स की जगह, तो टू इसका, है ना, टू इसका तो पॉलिनोमियल का जीरो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। उसी तरह हम इनमें से कोई भी एक नंबर रख के हम चेक करेंगे कि जीरो किस नंबर पे आता है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखो हम पहले वन, जब से सबसे इजी क्या है रखना, वन, तो हम वन रख के चेक करते हैं। इसमें हम एक्स की जगह जहां जहां एक्स है वहां वन रखेंगे, देखो रखते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स की जगह वन रखने जा रहे हैं, तो पुट एक्स इज इक्वल टू वन, है ना, तुक्का लगा रहे हैं हम, देखते हैं एक्स बराबर वन रखने पे इसमें जीरो आता है कि नहीं, ये खुश होता है कि नहीं इक्वेशन। तो एक्स इक्वल टू वन रखा, तो जहां जहां एक्स है वहां वन रख दो, वन का क्यूब हो गया, टू इंटू वन का स्क्वायर हो गया, माइनस वन प्लस टू, है ना। तो यहाँ वन का क्यूब वन हो गया, माइनस टू इंटू वन कितना होता है, टू, माइनस वन प्लस टू। अब देखो प्लस वन ने माइनस वन को मार दिया, माइनस टू ने प्लस टू को मार दिया, कितना आ गया, ये तो जीरो आ गया। इसका मतलब वन रखने पे ये खुश हो गया ये इक्वेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वन जो है एक्स इक्वल टू वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि हम देखो वन को इधर ला सकते हैं, एक्स की एक्स इक्वल टू वन में हम वन को जब इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, है ना, इक्वल टू जीरो। तो ये इसका फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का, जो एक्स माइनस वन है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है।
क्यों है? क्योंकि अभी बताया ना कि x की जगह अगर 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, तो x की जगह यहाँ अगर 1 रखा जाए तो 0 आ जाएगा, तो एक फैक्टर तो हमें मिल गया x माइनस 1। अब ब्रैकेट में क्योंकि ये क्यूबिक है तो ब्रैकेट में यहाँ पे कोई एक क्वाड्रेटिक 2 डिग्री का पॉलीनोमियल कोई आ जाएगा। हमें नहीं पता है कि इस ब्रैकेट में और क्या आने वाला है, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस करके कुछ भी आ सकता है, हमें नहीं मालूम है क्या आएगा। वो हम कैसे पता करेंगे? x माइनस 1 से इस बेचारे को डिवाइड कर देंगे। जब हम x माइनस 1 से जो डिवाइड करेंगे जो भी बचेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पे क्वेश्चन में, वही हमारा ये ब्रैकेट में आएगा। इस ब्रैकेट में और क्या बचेगा ये जानने के लिए हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे इस बेचारे को। तो अब x माइनस 1 जब इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ क्वेश्चन जो भी आएगा वही इस ब्रैकेट में भरा जाएगा, है ना। यहाँ कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा देखना। तो x अब इसको अब ये सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, पॉलिनोमियल डिवीजन का क्वेश्चन हो गया। हमें सिर्फ डिवाइड करना है इसको, अब सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमें क्या करना होता है कि इसमें एक एक करके खत्म करना होता है। जैसे यहाँ एक्स क्यू लिखा हुआ है तो पहले सोचो इसको हम खत्म करना है, मतलब सबट्रैक्ट जब करेंगे नीचे जाके घटाएंगे तो ये खत्म हो जाना चाहिए, ये नहीं बचना चाहिए। तो एक्स क्यू को मारने के लिए हमें यहाँ, अगर मैंने यहाँ एक्स लिख दिया तो एक्स इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर आएगा जो कि ये इसको नहीं खत्म कर पाएगा। ये तभी खत्म होगा घट के जब यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए नीचे में, तो इसके लिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिखना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो एक्स क्यूब आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब बना, एक्स स्क्वायर ने माइनस वन से जब मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर आया, है ना। अब देखो जब यहाँ घटाएंगे हम इसको, घटाने पे साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। अब देखो प्लस के एक्स क्यूब ने माइनस के एक्स क्यूब को मार दिया, है ना। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटेगा तो जीरो आएगा, ये दोनों खत्म हो गया। अब माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये कितना बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। जैसे सिंपल डिवीजन में होता है उसी तरह हम इसको घटाए माइनस एक्स स्क्वायर आया, फिर एक करके ये तुरंत उतर जाएगा नीचे, जैसे सिंपल डिवीजन में उतारते हैं। तो माइनस एक्स नीचे उतर आया, है ना। टू को हम बाद में उतार लेंगे, अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ सिर्फ x लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो यहाँ प्लस का x लिखे या माइनस का, वो मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर हमें वही साइन लिखना होता है जो रिमाइंडर का साइन होता है, यानी कि जिसे हम खत्म कर रहे हैं उसका साइन देखो क्या है, माइनस है, तो यहाँ चुपचाप हम माइनस लिख देंगे, है ना। मैंने रीजन भी बताया था, फिलहाल हम बाद में रीजन फिर से देखेंगे दोबारा। अभी हमें यही याद रखना है कि जिसे हम खत्म कर रहे हैं उसका जो भी साइन है प्लस या माइनस वही उठा के यहाँ चुपचाप रख देंगे। ये माइनस में था यहाँ माइनस रख दिया, तो एक्स माइनस एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर बना, है ना। माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और जब माइनस एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हमें सबट्रैक्ट करना है, घटाना है, तो जो माइनस का साइन चेंज होता है घटाने में, माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। अब देखो प्लस के एक्स स्क्वायर ने माइनस एक्स स्क्वायर को मार दिया, ये तो खत्म हो गया। और देखो ये नहीं खत्म होगा, इसको नहीं काटना है, क्योंकि ये माइनस का है ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस तो जुड़ जाते हैं आपस में, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस टू एक्स हो जाएगा, है ना, जुड़ के। और ये प्लस का टू उतर आया तुरंत नीचे, देखो उतार दिया ना इसको। अब हमें माइनस टू एक्स को खत्म करना है, इसे मारना है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दें, एक तो टू लिख देंगे काम बन जाएगा हमारा, टू इंटू एक्स टू एक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का या माइनस का, फिर से देखो जिसे खत्म कर रहे हैं उसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख दिया, तो माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स, है ना। माइनस टू इंटू एक्स कितना हुआ, माइनस टू एक्स, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे ना, माइनस टू इंटू माइनस वन होता है प्लस टू, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसे घटा लेंगे, साइन चेंज आएगा, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये भी मर गया, ये भी मर गया, रिमाइंडर क्या गया, जीरो, इसका मतलब खेल खत्म हो गया इसका। अब देखो इस ब्रैकेट में जो हमें नहीं पता था पहले कि क्या आएगा, अब पता चल गया, यही भरा जाएगा इस ब्रैकेट में। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ना, टू डिग्री का पॉलीनोमियल, तो यही हम यहाँ पे लिख देंगे उठा के। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यही लिखा जाएगा। इसको हम फिर से अच्छे से लिख रहे हैं, हमने लिख लिया इसको, है ना। अब हमें सिंपल एक तो फैक्टर पता ही चल गया एक्स माइनस, इसको तो कुछ छेड़ना ही नहीं है, अब हमें इसका फैक्टर कर लेना है। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो सिंपल होता है, आसान फैक्टर करना, अब इसको कैसे फैक्टर करेंगे, अभी इसको हम अलग में सीखते हैं कि इसका फैक्टर कैसे होगा। इसको हम ऐसे रहने दिए हैं और इसका हम फैक्टर अलग में सीख रहे हैं, इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फैक्टर कैसे करते हैं। तो पता ही होगा कि जो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट क्या है इसमें, जो अकेला होता है, इसके साथ कोई कोई एक्स नहीं लगा हुआ है, तो वो टू है,
टू अकेला है, कांस्टेंट है, उस टू को एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर के बगल में क्या लिखा हुआ है, वन है ना। देखो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वन है वहाँ पे। तो इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वन से, तो कितना आएगा, टू। जब इस कांस्टेंट को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, टू है ना। तो अब हमें इस टू को, हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं, हमें दो ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर टू आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला नंबर, एक्स का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, वन, वन आ जाए, है ना। देखो कोई भी नंबर, जैसे कोई भी दो नंबर उठा लिया, थ्री और फोर, तो थ्री एंड फोर को मल्टीप्लाई करो आपस में, थ्री फोर जब ट्वेल्व होता है, टू थोड़ी ना होता है, तो थ्री और फोर तो गलत हो गया। उसी तरह जब सोचने पे हमें पता चलेगा कि वो दो नंबर कौन सा है, वन एंड टू, क्योंकि वन को टू से अगर मल्टीप्लाई करो, देखो टू इंटू वन कितना होता है, दो नंबर है ना, टू और वन ले लिया, दो नंबर, टू और वन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, और टू में जब वन को घटाएंगे तो वन आ जाएगा। यही तो हमें चाहिए था, हमें दो ऐसा नंबर चाहिए था जिसको मल्टीप्लाई करने पर टू आ जाए, ये नंबर आ जाए, टू आ जाए, और उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर, एक्स का कोफिशियंट, एक्स के जो बगल में लिखा हुआ है, वन आ जाए, है ना। तो हमारा काम बन गया, हमें दो नंबर मिल गया, टू और वन, है ना। तब देखो अब बहुत आसान है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर लिखा, और ये जो एक्स का कोफिशियंट वन लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वन लिखा हुआ है, तो उसको हम टू माइनस वन लिख सकते हैं, यहाँ भी बताया टू माइनस वन, इसी दो नंबर के हिसाब से लिख लेंगे, जो दो नंबर हमने ढूंढा मेहनत करके, टू माइनस वन लिख लिया वन की जगह, एक्स तो लिखा ही हुआ है, माइनस टू छोड़ दिया ऐसे बाहर। अब एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दिया माइनस, अब देखो इस ब्रैकेट में जब एक्स को लाएंगे अंदर हम, तो टू इंटू एक्स टू एक्स हो जाएगा, और माइनस वन इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, है ना, और माइनस टू ऐसे लिखा हुआ है। अब ब्रैकेट खोल लेंगे हम आराम से, तो एक्स स्क्वायर लिखा रहने दिया माइनस, ये जब ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस जहर की तरह होता है, जो प्लस होता है उसको माइनस कर देता है, तो जब ये माइनस अंदर गया, ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया, प्लस एक्स माइनस टू तो लिखा ही हुआ है। अब देखो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, इसके सर पे दो एक्स है, इसके पास तो दो एक्स है, इसके पास एक है, तो यहाँ से एक कॉमन ले लिया, इसके पास दो था एक बचा, यहाँ पे टू बचा, एक्स तो निकाल ही लिया, फिर प्लस एक्स माइनस टू तो यहाँ लिखा ही हुआ है ना, ये देखो, और यहाँ से एक्स माइनस टू फिर से कॉमन आ जाएगा, दोनों के पास है, इसके पास भी है, तो एक्स माइनस टू ऐसे बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे एक्स माइनस टू निकाल लिया, एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स माइनस टू निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ सिर्फ वन बचा, है ना। तो ये हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसका फैक्टर हमारा ये आ गया, और पहले से एक फैक्टर क्या निकाले थे हम, एक्स माइनस वन, इसकी जगह हम ये लिख देंगे नीचे वाला भी जो निकाल के लाए हैं। अब देखो हम बताते, ये हमारा ऐसे लिखा हुआ था, तो एक्स माइनस वन तो एक फैक्टर था ही लिखा हुआ है, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं थी। इस ब्रैकेट वाले का हमने फैक्टर अभी किया है, और ये मिला हमें, क्या मिला, एक्स माइनस टू और एक्स क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस वन, है ना। तो ये देखो हमारा आंसर आ गया, यही आंसर हमारा पहले भी आ रहा था, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, और यहाँ भी पहले मेथड से जो किया था वहाँ भी वही आ रहा था ना, ये देखो एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, दोनों से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, और इसका सेकेंड पार्ट हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।